हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीप नदियों में अंतर? संजय बताओ। हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बताइए। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हिमालयी नदियाँ कहलाती हैं। सही है। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप पठारों से निकलने वाली नदियाँ प्रायद्वीप नदियाँ कहलाती हैं। शाबाश। ठीक है, दूसरा बता दो। हिमालय नदियों की लंबाई बहुत होती है, यह नदियों की लंबाई बहुत कम होती है। हिमालयी नदियाँ व प्रायद्वीप नदियों में अंतर बताओ। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को हिमालय नदियाँ कहलाती हैं और दक्षिण भारत के प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ प्रायद्वीप नदियाँ कहलाती हैं। इनकी लंबाई अधिक होती है इनकी और प्रायद्वीप नदियों की लंबाई कम होती है। शाबाश। और बताऊंगी पॉइंट। इनमें बर्फ जल रहता है। शाबाश। इनमें मौसमी नदियाँ होती हैं जिनमें जल केवल वर्षा ऋतु में रहता है। कितनी बहुत शाबाश। और बता सकती हूँ डेल्टा बनाती हैं जैसे गंगा व ब्रह्मपुत्र सुंदर वन का डेल्टा बनाती। शाबाश। ये नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं। शाबाश।